नमस्कार दोस्तों, टेक्सटार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप कैसे अपने कोई भी फोटोज़ या फिर डॉक्यूमेंट्स को एकदम बिना स्कैनर के स्कैन कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। तो दोस्तों, देखते रहिए मेरा ये पूरा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चले जाना है अपने प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर आपको टाइप करना है कैम स्कैनर। तो कुछ ऐसा आइकॉन वाला आपको देखने मिल जाएगा, आप इसे इंस्टॉल कर लेना। मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मैं इसे डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ ऐसा आपको देखने मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर नीचे आपको कैमरे का आइकॉन दिख रहा है, कैमरे के आइकॉन पर आप क्लिक कर लीजिए तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके दिखाता हूँ। अभी आप देखिए दोस्तों कि ये आपको डॉक्यूमेंट एकदम बिल्कुल कैमरे के से आपको लगेगा कि कैमरे से खींचने पर ये तो एकदम इसकी क्वालिटी एकदम ख़राब आएगी। तो बस देखते रहिए दोस्तों, इसका कमाल देखते रहिए। तो मैंने इस डॉक्यूमेंट को क्लिक कर लिया है एक बार। तो दोस्तों देखिए, ये अपने आप क्रॉप कर लेता है डॉक्यूमेंट को, और यहाँ पर नीचे राइट पर मैंने क्लिक कर लिया, अपने आप ये क्रॉप कर लिया है इसने डॉक्यूमेंट को। और आप देख सकते हैं इसका कलर भी एकदम पहले ओरिजिनल जैसा हो गया है। यहाँ पर आप मैजिक कलर पर सिलेक्ट करेंगे तो एकदम आपको ओरिजिनल जैसा कलर देखने मिल जाता है दोस्तों। और अगर आप ऑटो पे करेंगे तो कुछ इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन मैजिक कलर पे आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है दोस्तों। आपकी चॉइस है कौन सा आपको फ़िल्टर लगाना है, लेकिन मेरे हिसाब से मैजिक कलर वाला ठीक था। यहाँ पर नीचे राइट पर क्लिक कर लिया तो ये सेव हो जाता है दोस्तों। तो अब ये सेव हो गया है। आप यहाँ पर ऊपर PDF पर क्लिक करके आप अपने इसको PDF फाइल में भी बना सकते हैं दोस्तों। और फिर यहाँ पर शेयर पे क्लिक करके इसे PDF फाइल भी बना सकते हैं, या फिर इमेज में भी सेव कर सकते हैं, और किधर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना रियलिटी में ये डॉक्यूमेंट एकदम स्कैन होके आया है दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन भी दबा देना। मिलता हूँ आपको बहुत जल्द एक नए टेक की फ्रेश वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।